यहाँ पहुँचे आपके मुख्यमंत्री भगवान नहीं सवाल है और उसमें आपके मंत्रियों पर सवाल है शहनवाज जी। आप मुझे समय देंगे या सवाल पे जवाब अपने मन का सुनेंगे? तो उसकी बात हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। मगर उन पर अंकुश था, उन पर अंकुश था, इस रैली की अनुमति थी, स्पष्ट लिखी हुई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजी, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर 1997 जैसा कि आंकड़ा बता रहा है सुधांशु जी, उत्तर भारत और पूर्वी भारत तो ये और भी ज्यादा एनम। आज के भारत में बहुत कम ही ऐसे पत्रकार हैं जो बेबाकी से सरकार से, जनता के मुद्दों पर और सरकार की कमियों पर सवाल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक पत्रकार के बारे में जो कि हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा। अभिसार अपने रिपोर्ट के जरिए सत्ता में बैठी सरकार से आज भी तीखे सवाल करते हैं, पर हम उनकी कुछ डिबेट्स का जिक्र करेंगे जब वे एबीपी न्यूज पर पत्रकारिता करते थे तब की। आज हम उनकी वो डिबेट्स का जिक्र कर रहे हैं जब अभिसार ने बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल किए हों। एबीपी न्यूज पर घोटालों को लेकर मोदी की चुप्पी पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अभिसार ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से कुछ सवाल किए। शहनवाज बात को इधर उधर घुमाने लगे। अभिसार ने ऐसा होता देख एक सवाल किया जिससे शहनवाज परेशान दिखाई दिए। आपको अब तक नहीं लगता कि जब सरकार अपनी विश्वसनीयता का संकट का एक सामना कर रही है, बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी क्राइसिस सामने दिख रहा है, प्रधानमंत्री तब भी मौन है, क्या वजह है इसकी? यहाँ तक सवाल है, एक तो आपने हमें डिबेट पे बुलाया व्यापम पे डिबेट करने को, और इसमें नया डिबेट आपने शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों है, जहाँ पे उनको बोलना है वहाँ वो बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने शहनवाज जी कि जहाँ पर उन्हें बोलना होता है वहाँ वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, उनके नाम पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। आलोचना को आपको डर नहीं लगता? जहाँ 45 मौतें हो चुकी हैं, यहाँ पहुँचे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर सवाल है और आपके मंत्रियों पर सवाल है शहनवाज जी, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए? आप लोडेड क्वेश्चन करेंगे उससे डर नहीं लगता? आप मुझे समय देंगे या सवाल पे जवाब अपने मन का सुनेंगे? यानी सवाल भी आपका, जवाब भी आपका अपना होगा। योगी आदित्यनाथ की रैली के मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर ही डिबेट हुई। अभिसार ने रैली में योगी द्वारा कम्युनल एंगल लाने और चुनाव आयोग की उल्लंघना पर सवाल किया, जिसके जवाब में पार्टी के प्रवक्ता बात को गोलमोल करते दिखाई दिए। स्पष्ट बात है कि अगर आपने योगी आदित्यनाथ को इंचार्ज बनाया है इन उपचुनावों के लिए, तो इससे तो मंशा आपकी साफ दिखाई दे रही है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रचार कर रहे हैं तो हम चुनाव को सांप्रदायिक क्यों बनाना चाहते हैं? और आपने ही अभी भाषण सुनाया, योगी जी ने कहा कि जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं का जवाब देना पड़ेगा। सड़कों की बात में उन्होंने कब्रिस्तान वाला मुद्दा भी छेड़ दिया। अरे भाई, तो अगर उत्तर प्रदेश में सरकार कब्रिस्तान बनवा रही है तो उसकी चर्चा नहीं होगी? तो जब चुनाव आयोग उन्हें दोषी एक तरह से मान चुका है तो उसकी बात हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मगर उन पर अंकुश था। विजय बहादुर पाठक साहब, इस बड़ी बात को आप कैसे भूल रहे हैं? उन पर अंकुश था, इस रैली की अनुमति थी, अनुमति लग रहा था। योगी आदित्यनाथ को इजाजत नहीं थी लखनऊ में कोई रैली करने की? नहीं, इजाजत योगी नहीं थी को लखनऊ में रैली नहीं करने की कोई इजाजत का पत्र हमारे पास नहीं था। नहीं, हद हो गई है बिल्कुल विजय बहादुर पाठक साहब, जो चीज सामने है, जो चीज रिकॉर्ड पे है। केजरीवाल और एलजी विवाद पर एबीपी न्यूज पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अभिसार ने बीजेपी नेता से कुछ सवाल किए। बीजेपी नेता इसमें केजरीवाल सरकार पर दोष लगाने लगे, जिसके बाद अभिसार ने उनको अपनी पार्टी की कमियों को ना देखने पर टोका। एंटी करप्शन ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो ना होकर सर्कस बन गया है। वाकई अपने आप में इतनी हास्यास्पद स्थिति है। इसकी इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी? अब क्या हो रही है? जिस तरह से लड़ाई हो रही है, इस तरह की लड़ाई तो सास बहू को के जो सीरियल्स होते हैं उसे शर्मिंदा कर दें। हम संविधान का पालन करें, हर संस्था संविधान का पालन करे, और संविधान में सब चीजें स्पष्ट लिखी हुई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजी, और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, दिल्ली के रोल बेशक से लेकर 1998 में भी एक ऐसी मौका था जब दिल्ली में सरकार भाजपा की थी, उस पर सरकार क्षेत्र को लेकर है। जी, एसीबी किसके अंडर आए? एलजी, जो कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, या फिर केजरीवाल सरकार? लड़ाई दरअसल उसको लेकर है। ये लोग इमैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारा काम करने को है। आप पर भी लग सकता है, लेकिन यानी कि मोदी सरकार पर भी लग सकता है कि आप संवाद नहीं कर रहे हैं केजरीवाल सरकार से। और मकसद यही है कि मामला जितना ज्यादा सुलगे, जितना ज्यादा सुलगे वही होता रहा। संवाद तो आपकी तरफ से भी नहीं है। सांसदों की सैलरी के मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर डिबेट में
एंकर ने बीजेपी नेता से उनकी सैलरी और फिजूल खर्ची पर कुछ सवाल किए, जिसका बीजेपी नेता ने ठीक से उत्तर ना दिया, जिस पर अब इसार ने उन्हें सही से बताने को कहा। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको एक आंकड़ा कोट करना चाहूंगा पिछली लोकसभा का। आप जानते हैं पिछली लोकसभा में कुल घंटे जो काम हुआ वो हुआ 1344 घंटे और वेस्ट हुआ, बर्बाद किए गए 890 घंटे, यानी कि करीब जितना काम हुआ उसका 70% वेस्ट भी हुआ। दिल्ली के प्राइम टाइम जगह पर आपका फ्लैट है, मकान है, 2.5 लाख जिसका पर महीने का है, तो कुल 60 लाख तो आपको सालाना मिल रहा है, तो ये जायज है सुधांशु जी? ज्यादातर सांसदों से पूछिए, क्षेत्र के लोग आते रहते हैं, सांसदों घर में जाइए, सुबह से शाम तक आने वालों का मजमा और जितना चाय पीने वालों का और नाश्ता करने वालों का लगा रहता है, उस कारण से खर्चे होते हैं। ये भी एक सामाजिक व्यवहार, जैसा कि आंकड़ा बता रहा है सुधांशु जी, उत्तर भारत और पूर्वी भारत से तो ये और भी ज्यादा, इसलिए इन बातों को थोड़ा मायने क्या आप समझते हैं 60 लाख पर एनम कहते हैं, जैसे कि वो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर एबीपी न्यूज पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अभिसार ने प्रेम शुक्ला से कुछ सवाल किए, जिस पर प्रेम शुक्ला बात को गोलमोल कर गए, जिसके बाद अभिसार ने उन्हें सवाल का जवाब ना देने पर टोका। प्रेम शुक्ला, मेरे सवाल सुनिए, मैं क्यों ना मानूं कि ये भाषण पूर्णतः सियासी था। देखिए, संतोष पाटिल कर्नाटक से चुनाव सवाल पूछते हैं कि आप पर बासवेश्वर जी का क्या असर रहा है, और इत्तेफाक देखिए 12 मई को कर्नाटक में चुनाव है, तो ये तो पूरी तरह से प्लांट किया गया था, जाति तोड़ने का असर रहा है, पूरा असर है। देखिए, बिल्कुल प्लांट नहीं था, प्रधानमंत्री जी का नेचुरल भाषण था। प्रेम शुक्ला, प्रधानमंत्री कल कहते हैं कि हमने यमन से 5,000 से 6,000 भारतीयों को निकाला और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से सुविधाएं दी गई, मुझे पता है, वही तो बात है प्रेम, वही तो बात है कि पहले से ऐसा हुआ माहौल था, जिस तरह से 1,75,000 भारतीयों को निकाला गया, प्रधानमंत्री से क्यों बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला? विदेश मंत्रालय, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हर भारतीय आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रेम शुक्ला, कि 1990 में एयर इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया था। अभिसार अक्सर अपनी डिबेट्स और न्यूज रिपोर्ट में बीजेपी से तीखे सवाल करते थे, जो कि सत्ता में थी और वे आज भी कर रहे हैं। अगर न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट की बात माने तो अभिसार शर्मा की एक रिपोर्ट की वजह से ही उन्हें नौकरी से हटाया गया। वह रिपोर्ट यूपी के सुल्तानपुर में रेस्टोरेंट मालिक पर हुए हमले को लेकर थी। अभिसार शर्मा ने अपने रिपोर्ट में मोदी जी को खटखरे में खड़ा किया था। आप भी देखिए उनकी वह रिपोर्ट। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे, तब उन्होंने कहा था कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर होती स्थिति से यहां उद्योग जो है निवेश करेंगे, 80,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश जो है उत्तर प्रदेश में आने वाला है। मगर यूपी के सुल्तानपुर जिले में जो हुआ उसने प्रधानमंत्री के और यूपी सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। मामूली विवाद में इतना बड़ा कांड हुआ, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि 3 लोग काउंटर पर आए, गोली मारकर जो है चले गए। हम यही उम्मीद करेंगे कि बाकी का मेनस्ट्रीम मीडिया भी सत्ता सरकार से उनकी कमियों पर सवाल करेगा और जनता के मुद्दे भी उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।